हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे शाम का टाइम है, मैं कुछ ये बथुआ लेकर के आए थे वर्मा जी, तो उसी को साफ़ कर रही थी। इसका रायता वगैरह मैं बनाती हूँ और पराठे भी अच्छे लगते हैं, सो इसको साफ़ करके और ब्लांच करके मैं रख लेती हूँ, तो यूज़ हो जाता है फटाफट। आटे में भी कभी कभी मैं इसको मार लेती हूँ, तो अपना साफ़ सुथरा रखा रहता है तो सही रहता है। एक साथ ही मैंने धुल करके वॉश किया पहले, फिर सुखाया, थोड़ा सा पानी जब ड्रेन हो गया तब मैंने इसको सारे पत्ते जो हैं वो निकाल लिए हैं। और आज हमें कहीं जाना है, सो आप व्लॉग के एंड तक बने रहिए, आपको कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलने वाला है। चलिए इसको रख देती हूँ मैं। उसके बाद हम लोग यहाँ छत पे आ गए थे थोड़ी देर वॉक के लिए, टाइम था हमारे पास तो इसीलिए। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, वेदर बहुत अच्छा है, सो अच्छा लग रहा था। चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं, आज पहली बार आपको छत का व्यू इस तरह से दिखा रही हूँ। करवा चौथ पे आई थी छत पे, उसके बाद अब आए हैं हम लोग, छत पे आना होता ही नहीं है। और ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको सड़क दिखा रही थी, बहुत अच्छे से वहाँ पे मुझे व्हीकल चलते हुए दिखाई दे रहे थे, अच्छा लग रहा था शाम के टाइम। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। और आज जाने वाले हैं हम किसी शादी में, तो वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ममा अर्थ के कोल्ड क्रीम के बारे में रिव्यू, जिसमें विटामिन सी फ्लेवर है, उपटन फ्लेवर है और साथ में है कोको नरिशिंग कोल्ड क्रीम। तो अभी ममा अर्थ ने न्यू लॉन्च किया है कोल्ड क्रीम, तो मैंने सोचा आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ, मैंने मंगवाए हैं अपने लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ममा अर्थ के विटामिन सी नरिशिंग कोल्ड क्रीम के बारे में। इसमें विटामिन सी है, साथ में हनी है, बहुत ही लाइट वेट है, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है और ऑल स्किन टाइप है। आप यूज़ कर सकते हैं इसको, 200 ग्राम का प्रोडक्ट है। और इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है एक्वा ग्लिसरीन, ऑर्गेनिक रोज हिप ऑयल, ऑर्गेनिक लेमन ऑयल, ग्रेप्स फ्रूट ऑयल, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, हनी एक्सट्रैक्ट। बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर है, बिल्कुल भी आपको चिपचिप फील नहीं होगा। और अगर इसके प्राइस की बात करूं तो ये 299 का है। ममा अर्थ के प्रोडक्ट होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं, हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं। आप लेना चाहते हैं तो आपको मैं अपना एक कूपन कोड दे दूंगी जो कि है BULBUL2022। आपको mamaearth.in से आप शॉपिंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। ये अमेजोन नायका पर्पल ममा अर्थ की वेबसाइट पर ईजिली अवेलेबल है। ममा अर्थ जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। हमारी ये इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव है, सो बहुत अच्छा। तो अगर इसके हीरो इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है विटामिन सी, हनी, ऑलिव ऑयल, ऑर्गेनिक लेमन ऑयल। हनी हमारे स्किन से स्किन को सूद करता है और अगर जो ड्राइनेस है उसको खत्म करता है। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल भी हमारी स्किन को नरिश करता है, डीपली हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और इसमें है विटामिन सी जो कि हमारी स्किन में हेल्दी ग्लो छोड़ता है। तो नेक्स्ट कोल्ड क्रीम की बात करूं तो ये है उपटम नरिशिंग कोल्ड क्रीम। इसमें टर्मरिक एंड सेफ्रन है, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मॉइस्चराइज करता है, बहुत ही लाइट फॉर्म में है। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा कंटेनर है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनिक एलमंड ऑयल, सेफ्रन एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, सेफ्रन ऑयल, ऑर्गेनिक टर्मरिक ऑयल। और कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल उपटन की तरह है और टेक्स्चर बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है, ग्रीसी नहीं है और इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। तो ये हमारी स्किन में क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और हार्मफुल केमिकल से फ्री है। तो ये लास्ट वन है जो कि कोको नरिशिंग कोल्ड क्रीम है विद कैफीन एंड विटामिन ई। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है आप सब जानते हैं, ये हमारी स्किन को रिचनेस प्रोवाइड करता है। इस कोल्ड क्रीम को 15 ईयर से अबव मैन वुमेन कोई भी यूज कर सकता है। सो आप लेना चाहते हैं तो सबकी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हेलो डैडी, गुड इवनिंग। डैडी नहीं मतलब मिस्टर वर्मा, गुड इवनिंग। फाइन फाइन, तो आप तैयार हो गए हैं? बढ़िया है, एक शादी में जाना है एंड मतलब बहुत दिनों के बाद उनसे मिले। पहली शादी है यहाँ पे हम लोगों की ना? हाँ, मुंबई में फर्स्ट मैरिज अटेंड करने जा रहे हैं अभी। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट ऑल्सो। वाय, तो चलो भाई डैडी, मेरी भी ड्रेस दिखा दीजिए, मैंने क्या पहना है। मैंने पहना है ये ब्लू
ब्लू कलर की साड़ी और अभी मैंने रील्स बनाए हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए, जरूर जाके मुझे फॉलो करिए, इंडियन ब्लॉगर बुलबुल मेरी सेम आई है। तो ये देखिए ये है मेरी साड़ी और पीहू भी यहाँ पे तैयार हो गई है, पीहू का भी साथ के साथ देख लीजिए ड्रेस, वो तो ड्रेस ना ये, और पीहू ने बनाया है बढ़िया सा हेयर बैंड लगाया है। तो अभी पीहू को एक गिफ्ट मिल जाना चाहिए ना सेंटा से, कुछ तो मिलेगा। चलो 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 सेंटा के पास चलो, डैडी आ जाइए, कम 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 क्या मिल रहा है भैया आज पीहू को आज सेंटा क्लॉज से। चलो चूज करो चूज करो ये चाहिए, ये वाला चाहिए। हम लोग यहाँ पे तैयार हो गए हैं और एक दो फोटो ले लें क्या? Sure. चलो आज पता नहीं मेरा आई मेकअप कैसा लग रहा है, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कुछ कोशिश कर रही है। आप लोग मेरे वो किधर है? क्या जो ये कफलेट्स? हाँ, कफलेट्स आपके उस ड्रॉर में ही है। तो चलिए चलते हैं, विंडो बंद कर दीजिएगा। चलो सो गाइस, थोड़ा सा मिरर गंदा है बट मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये साड़ी मैंने पहनी है और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से लाइट ऑफ कर देती हूँ, फैन ऑफ, लाइट ऑफ। चलो क्या अब वो पीहू का ये है टाइगर, ये है रेंडियर और यहाँ पे मिला था ये पीहू को गिटार और एक गिफ्ट ये पीहू को मिला था मैप। तो अभी तक चार गिफ्ट मिल चुके हैं यहाँ पे ना पीहू। बाय। सो गाइज, जैसा कि अभी आपने देखा कि क्रिसमस में पीहू को गिफ्ट मिल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं ये जो व्लॉग है ये मेरा क्रिसमस के बाद मतलब न्यू ईयर के पहले का ही है, बट ये व्लॉग आपको मैं डिले पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि न्यू ईयर आ गया था, न्यू ईयर की पोस्ट मैंने पहले डाल दी थी और इसको मैंने बाद में डालने का सोचा। तो इसको भी लाइक करिएगा। आज हम लोग जा रहे हैं, इन मेरे जो हस्बैंड हैं उनके कलीग की शादी है। कैसा कैसा? तो सुना आपने, वर्मा जी कुछ गाना गा रहे थे तो मैं उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी बट नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, फिर कभी दिखाएंगे। और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं मस्ती करते हुए, गाने सुनते हुए और बाहर का बहुत ही अच्छा वेदर है वो सारा एंजॉय करते हुए। आइए पीहू जी, कम Thank you.
कैसी लगी दुल्हन आपको कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों को अच्छा लगा शादी में आकर के। और बस फिर थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए और फिर हम लोग ने डिनर कर लिया था। उसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे, तो निकल पड़े हैं हम लोग अपने घर की तरफ। काफ़ी अच्छा दिन था आज का। और व्लॉग कैसा लगा, दुल्हन कैसी लगी, शादी कैसी लगी, सब कुछ कॉमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। भाई पुलिस आ गई ना, पुलिस आ गई भाई। यू कैन नॉट डू पार्टी विद सो मेनी गेस्ट। गाइज़ हम लोग वापस आ गए हैं और अच्छा था। हम लोग के आते समय वापस में मैंने देखा कि वहाँ पे पुलिस खड़ी हो गई थी भगाने के लिए लोगों को कि अब बंद करो बंद करो। और वहाँ पे सब जगह गेट भी बंद हो गए थे, 10:30 के बाद अलाउड नहीं है ना इसलिए। हाँ तो सब बंद हो गया था वहाँ पर। और लाइन से 3 वो थे शादी के बैंक्वेट हॉल। तो बस चलिए चेंज वगैरह करते हैं। और आई मेकअप कैसा लग रहा है बताइएगा, आज थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करी है। चलिए चेंज करते हैं। आ जाओ जाओ जाओ, गुड जॉब। तो चेंज वगैरह करने के बाद आ गए थे हम लोग नीचे। यहाँ पर पीहू थोड़ा सा स्कूटरिंग कर रही थी और लोग यहाँ पर रैकेट वगैरह खेल रहे थे। ये हमारे घर के नीचे की ही सोसाइटी है, आप लोग ने पहले भी देखा होगा। तो बस चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय। रन करके थक गया छोटा, और साइकिलिंग करके थक गई, अब रेस्ट करोगी। ओके okay.